अनलॉक प्रॉफिट है। हाँ प्रॉफिट एंड लॉस ठीक है। और दो एक मैथ्स कर लेते हैं ठीक है। देखिए दो तीन तरीके का कर लेते हैं, इस तरह का पूछते हैं कभी कभी। तो मैन बाय प्रैक्टिकेशन राइट एट ₹40/kg। 30 किलो चावल खरीदा, पर किलो ₹40 कर गया ठीक है। एंड अनदर 20 kg राइस एट ₹30/kg। दो तरीके का चावल खरीदा, दो वैरायटी का, एक का प्राइस जो है ₹30/kg, ₹40/kg ठीक है, जो कि 30 किलो खरीदा। दूसरा का है ₹30/kg, जो कि 20 किलो खरीदा गया ठीक है। अब क्या किया कि मिक्सर देम, अब दोनों को मिक्स कर दिया एंड सेल्स हाफ हाफ ठीक है। हाफ ऑफ द मिक्सचर, जो दो वैरायटी का चावल खरीदा अलग अलग प्राइस पे, उसको मिक्स कर दिया और कितने में बेच दिया, ₹36/kg करके बेच दिया, आधा को ठीक है। आधा चावल को, मतलब 30 किलो इधर, 20 किलो इधर, 50 किलो चावल खरीदा, 25 किलो चावल को उसने ₹36/kg करके बेच दिया। अब क्वेश्चन है एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल द रिमेनिंग मिक्सचर टू गेट ओवरऑल प्रॉफिट। और 30% क्वेश्चन क्या रहा है, एक आदमी ने दो वैरायटी का चावल खरीदा, एक का था ₹40/kg जो कि 30 kg खरीदा, दूसरे का था ₹30/kg जो 20 किलो खरीदा ठीक है। खरीदने के बाद उन्होंने क्या किया, दोनों को मिक्स कर दिए, क्लियर है, दोनों को उन्होंने मिक्स कर दिया। अब पूछा गया मिक्स करने के बाद उन्होंने क्या किया, आधा चावल जो टोटल जो चावल खरीदा उसका आधा चावल को, जैसे कि यहाँ पे 30 किलो और इधर 20 किलो, 50 किलो चावल खरीदा ना, तो 50 किलो को मिक्स कर दिया, तो आधा मिक्सचर को मतलब 25 किलो को ₹36/kg करके बेच दिया उन्होंने। क्वेश्चन है बाकी चावल जो बचा है, बाकी 25 किलो चावल, उसको कितना में बेचने से उनको 30% का टोटल प्रॉफिट होगा, जो 30% ओवरऑल, मतलब 50 किलो जो चावल है उसके ऊपर 30% प्रॉफिट होगा। आंसर क्या क्या है, आंसर लिख लीजिए 7.6 और 50, इस तरह से आंसर है 50.5। क्वेश्चन क्लियर है? हाँ एक बार क्वेश्चन बता दीजिएगा सर। क्वेश्चन है, एक आदमी ₹40 किलो में ठीक है, ₹40/kg इस रेट में 30 किलो चावल खरीदा ठीक है। पहला पार्ट है कि ₹40/kg में 30 किलो चावल खरीदा, 30 kg चावल खरीदा। अब उसने और एक वैरायटी का चावल खरीदा जिसका पार किलो कॉस्ट है ₹30/kg और खरीदा 20 किलो चावल ठीक है। मतलब पहला वैरायटी का चावल है, वैरायटी वन, ये प्राइस कितना था, वैरायटी में लिख दो ऐसे करके, वैरायटी प्राइस और क्वांटिटी,
2-1। कितना था प्राइस? 40 रुपीज, 40 पर केजी। ठीक है, कितना करेगा? 30 किलो। दूसरा जो वैरायटी है उसका है रुपीज 30 पर केजी। कितना कैसे? 20 किलो चावल खरीदा। ठीक है, इतना क्लियर है क्वेश्चन का पहला लाइन, दूसरा पहला दो लाइन क्लियर है। अब इन दोनों चावल को ना 1 और 2 को उसने मिक्स कर दिया। 57.6 आएगा आंसर। अच्छा, आपका आया 57.6। किसका आंसर है 57.6? मेरा सर 57.6 अच्छा, आपका 57.6 आया। ठीक है, चलिए। अनिता जी 57.6। ओके, दीपाली जी, अनिता जी, आपका 57.6 आया। दो आंसर आ गया इसमें। ठीक है, अब उसने क्या किया, ये जो दो तरीके का चावल है उसको मिक्स कर दिया। मिक्स करके ये जो 50 किलो हुआ ना टोटल, उसको मिक्स कर दिया एक साथ। मिक्स करके मिक्सचर को उसने आधा को 36 रुपीज पर किलो में बेच दिया। बाकी जो 25 किलो बचा हुआ है उसको कितने में बेचने से आपका टोटल प्रॉफिट, ये जो 50 किलो चावल जो आया टोटल उसके ऊपर, उसका तो कुछ प्राइस होगा, उसके ऊपर 30% प्रॉफिट होगा। आप समझ में आया क्वेश्चन? तो प्रॉफिट के बाद अगर आ गया तो सबसे पहला को क्या निकलना है, ये जो चावल आपने अलग अलग खरीदा, ठीक है, उसका टोटल प्राइस जरूरत है कि नहीं जरूरत है? है सर, वो 30 को 40 से टोटल इंटू किया, 20 को 30। टोटल टोटल प्राइस और टोटल कॉस्ट, ठीक है, फॉर एंटायर क्वांटिटी ऑफ राइस, एंटायर क्वांटिटी ऑफ राइस। अच्छा, टोटल पहला जो चावल था वो कितना था? 40 रुपीज करके 30 किलो, तो इसका कॉस्ट कितना? टोटल कॉस्ट 40 रुपया करके 100। 30 किलो का, 1 किलो का 40 होता है तो 30 किलो का इतना होता है। क्लियर है? प्लस और भी तो चावल खरीदा है, 30 रुपीज करके 20 किलो चावल खरीदा तो कितना होगा? रुपीज 1800 18। सर, 1800, ठीक है, 1800 सर। ये क्लियर हुआ। आपने टोटल कितना किलो चावल खरीदा, ये भी इम्पोर्टेंट है। टोटल क्वांटिटी, हाँ, टोटल क्वांटिटी बस 50 केजी। क्योंकि पहला में था 30 किलो, लास्ट दूसरा में था 20 किलो, तो 50 केजी। देखिए, अपना 50 केजी चावल का अपना 1800 रुपया खर्च किया। ठीक है, आप देखिए, एक चीज बोला है लास्ट लाइन पे कि आपको प्रॉफिट कितना कमाना है, 40% 30% कमाना है। ठीक है, टोटल का ओवरऑल प्रॉफिट 30%। ओवरऑल किसका? ओवरऑल किसका? ओवरऑल मतलब ये जो टोटल आपने खर्चा किया 1800 का, है कि नहीं? तो सेलिंग प्राइस क्या होना चाहिए? आपके पास कॉस्ट प्राइस है 1800, प्रॉफिट भी है 30%, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा? फॉर्मूला क्या आएगा सेलिंग प्राइस का? फॉर्मूला भूल गए, 100 प्लस प्रॉफिट प्लस प्रॉफिट बाय और हंड्रेड प्रॉफिट इनटू इंटू कॉस्ट अठारह प्राइस। सौ कॉस्ट प्राइस ये बताया ना, तो हम मतलब ये क्या होगा, 130/100 इंटू 1800। ठीक है, इसको करिए, कितना आता है देखिए, कितना आएगा बोलिए। हाँ, देखिए कितना आता है बेस इसको, तो 40, 23%, 40, ट्वेंटी 3 40। इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 40। 1800 रुपया तो है ही, है आपको कमाना है 1800 का कितना परसेंट? 30%, ऐसे भी निकल जाएगा। ठीक है, ऐसे भी आ जाएगा आपका रिजल्ट, ये भी आपका रिजल्ट दे देगा आपको। हाँ सर, ये तो आ गया था। उसके बाद ठीक जो है, इसने बोला ना 30 प्लस कि 540, 43 से 44। अच्छा, आपको टोटल बेचना है, टोटल आपको अगर 30% प्रॉफिट करना है, ठीक है, ये दो तरीका दिखा दिया, उसका सेलिंग प्राइस आ गया बेसिकली। आपको 30% प्रॉफिट करना है तो आपको 23 40 में बेचना पड़ेगा टोटल चावल को। ठीक है, क्लियर है इतना?
हाँ जी सर, पर आगे उसने बोला ना कि आधा वो बेच देता है कुछ आप होता है क्या इसमें। किया, लेकिन उसमें बोला कि आधा आधा मतलब कितना है, टोटल चावल कितना था, टोटल 50 25, टोटल हाँ जी 25 की राइस 20, आधा 25 50 केजी। था, 50 kg था, हाफ कितना होगा, 25 kg, 25 kg को उसने कितना में बचा, पार किलो 36 करके बचा, है 36, हाँ जी, नाइन ना, हंड्रेड 900 हो जाएगा। रुपीस रुपीस 36, तो ये हो जाएगा 900 रुपीस। तो 900 रुपीस का तो बिजनेस हो गया, तो टोटल आपको कितना बेचना है, बैलेंस कितना कमाना है आपको, 23 40 आपको टोटल बेचना है, टू उसमें थ्री से आपने 900 बेच दिया, क्लियर है, इतना का आपको बेचना है, जो बाकी चावल बचा है 25 किलो जो बचा है, इतना क्लियर है। हाँ जी सर, क्लियर। तो कितना होना चाहिए प्राइस, अगर 25 किलो आपके पास बचा है और आपको बाकी 1440 रुपीज कमाना है, तो पर किलो कितना होगा, 1440 डिवाइड बाय 25 के, है ना, कोई डाउट, नो सर, तो ओके। लास्ट का हाँ एक बार और बता दीजिए, ये तो 48 आपको करवा था। जो है 1800 रुपया का चावल खरीदा आपने, दो तरह का चावल जो खरीदा है, ठीक है, 30% आपको प्रॉफिट कमाना है, तो सेलिंग प्राइस होना चाहिए आपका 2340, ठीक है। इतने में से अपना आधा चावल, 25 किलो चावल पर किलो 36 करके आपने 900 का बिजनेस कर लिया ऑलरेडी, आपको कितना कमाना है प्रॉफिट, स्टिल आपको पास प्रॉफिट कमाने का मार्जिन है, आपको 1440 रुपया बाकी जो है उसको कवर करना है, उसके लिए आपके पास है 25 किलो और चावल, तो 25 किलो चावल बेच के आपको 1440 अर्न करना है, ठीक है ना, तो पर किलो कितना होगा, 1440 बाय 25, क्लियर है, मतलब आपको 200 रुपया कमाना था, ठीक है, या फिर 500 कमाना था, आपने ऑलरेडी 200 का बिजनेस कर दिया, ठीक है, आपके पास सपोज इधर मान लीजिए 10 किलो चावल था, आपने 6 किलो ऑलरेडी सेल कर दिया, सेल करके 200 रुपया कमा लिया, आपके पास 4 किलो चावल बचा है और आपको और 300 रुपया कमाना है, ठीक है, तो पर किलो कितने में बेचना पड़ेगा, आपके पास 4 ही किलो चावल है और 300 रुपया आपको अर्न करना है, समझ में आया, ये चीज क्लियर है, अभी भी डाउट है, डाउट है अभी भी, ठीक नो सर, है, तो इसको करिए कितना आता है देखिए, नो सर, ओके, तो नीचे हो जाएगा 5 5 से करेंगे तो, या 5 से करेंगे हो जाएगा तो 2858 5 8 1 45 2 85 40, ठीक है, तो 55 5। इसको करिए कितना आएगा, 55.6 फिफ्टी आएगा फाइव सर, पॉइंट सिक्स 55.6, 57.6, 57.6, हाँ 5 5 25, ठीक है, फिर 3 3 5 35 पॉइंट आ जाएगा, 6 5 3 6, ठीक है ना, देखिए इसको क्लियर है, तो यस आपको पर यस किलो यस आपको इतने में बेचना पड़ेगा, जो आपने 36 रुपीज में बेच दिया था, ठीक है, आपको 30% अगर प्रॉफिट कमाना है, तो बाकी चावल को आपको 57 58 रुपीज जो भी है उसको आपको उतना में बेचना पड़ेगा, तब जाके आपका टोटल जो 2340 आपने टारगेट लिया था, ठीक है, जो अपना 30% प्रॉफिट करने के बाद इतना जाएगा, तो उतना कमाने के लिए आपको बाकी 25 किलो को इतना में बेचना पड़ेगा, क्लियर है, इसमें कोई डाउट है क्या, तो बोलिए, नो सर, ठीक है ना, ओके, डाउट नहीं है तो नेक्स्ट मैथ्स की तरफ बढ़ते हैं, मान लीजिए एक मैथ्स आता है, सभी लिखता है एक मैथ्स, मान लीजिए कि ये सबके पास
10% प्रॉफिट। गुड्स, कुछ सामान उनके पास, उसके ऊपर वो 10% प्रॉफिट अर्न करता है। अब क्या हुआ, ही लॉस्ट 20% ऑफ हिज गुड्स, चोरी हो गया ड्यूरिंग अ थेफ्ट। ठीक है, लॉस परसेंटेज क्या है? लॉस परसेंटेज निकालना है। ठीक है, आंसर है 20, 12, 10, 15% एक दुकानदार जो है हिंदी बता उनके पास दीजिएगा कुछ, सर, हिंदी सर। एक दुकानदार, हाँ बोल रहा हूँ, एक दुकानदार जो है, ठीक है ना, उनके पास कुछ सामान है, जो वो उनके पास जो सामान है वो बेच कर 10% का प्रॉफिट कमाते हैं। सिंपल सा बात है, एक दुकानदार कुछ सामान बेच कर 10% का प्रॉफिट कमाते हैं। अब उनका जो टोटल सामान उनके पास था उसका 20%, ठीक है, टोटल सामान अगर 100 है उनके पास, तो 20 सामान चोरी हो गया दुकान से, ठीक है ना, 20% सामान उनका चोरी हो गया, तो क्वेश्चन है उनका कितना परसेंट लॉस होगा ऐसा करने से, ऐसा होने से, नोट करने से, ऐसा होने से अगर चोरी हो जाता है, समझ गए? यस मान लीजिए सर, आपके पास 100 बैट था आपको दुकान में, और आप टोटल बैट जो बेच के 10% प्रॉफिट कमाते हो, ठीक है, आप दुकान में चोरी हो गया तो 20 बैट, 20% बोला ना, 20 बैट चोरी हो गया, तो आपका टोटल कितना परसेंट लॉस होगा उस केस में? लॉस तो होगा, कितना परसेंट होगा? ओके, कोई हिंट? 20 एक रिजल्ट आ गया। चलिए इसको करते हैं, ठीक है, मान लीजिए, एज्यूम करते हैं नंबर ऑफ टोटल गुड्स जो भी है वो गुड्स इक्वल टू 100 मान लेता हूँ। उनके पास 100 सामान था, जैसे मैं बोला था कि बैट का बिजनेस है, 100 बैट था, ठीक है, तो मान लेता हूँ उनके पास 100 सामान था, ठीक है, कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच आइटम, उसका मैं पकड़ लेता हूँ आइटम ईच गुड इक्वल टू ₹1 पकड़ लेता हूँ, ठीक है, और आसान हो जाएगा। तो टोटल कॉस्ट प्राइस कितना होगा? अगर एक बैट का कॉस्ट मैं 1 रुपया पकड़ता हूँ, ठीक है, और टोटल बैट 100 है, तो टोटल बैट का प्राइस कितना आएगा? सीपी टोटल कितना आएगा? 100 × 1 ₹100। पहले ही निकाल लीजिए कि आपके पास जो दुकान में सामान पड़ा है, अगर दुकान में चोरी हो जाता है, ठीक है ना, पहले ही निकालिए आप क्या करेंगे, आपके दुकान में कितने रुपए का सामान था, है ना, सिंपल सिंपल आप क्या निकालेंगे बोलिए, इस केस में आपका दुकान में कितना रुपए का सामान था और जो चोरी हुआ, ठीक है, वो कितना रुपए का चोरी हो गया, समझ गया ना, वही तो निकालेंगे। इसके बाद आप निकालेंगे कि आपका कितना लॉस हो रहा है, ठीक है ना, आप अगर 10% में बेचते तो कितना उसमें लॉस होता या फिर प्रॉफिट होता, है ना। तो इसलिए मैं पहले मान लीजिए कि 100 आइटम है आपके पास, 100 गुड्स है, 100 बैट है, या फिर 100 कुछ भी है, ठीक है, पेन है मान लीजिए, और हर का प्राइस जो है 1 रुपया करके है, ठीक है, आप प्रॉफिट कितना बोला? 10% बोला ना, 10%, 110 हो जाएगा। 10 × 2 हाँ 110 हो जाएगा। ईच आइटम ईच गुड इज इक्वल टू 10%, ठीक है, तो आपका 110 हो सकता है अगर टोटल में पकड़े तो, और अगर इंडिविजुअल करेंगे तो 1.1 भी हो जाएगा, ठीक है ना। अब हाँ जी, अब 20% उसका चोरी हो गया था। 20% चोरी हो गया, देखिए हाँ जी, 20% गुड्स जो है क्या हो गया, आर लॉस्ट, आर थेफ्ट।
80 हो, 80 80 रह गया सर, 100 में से 20% हाँ, लेफ्ट हुआ। तो कितना गुड्स बाकी रह गया? गुड्स लेफ्ट 80 हो गया दुकान में सर। कितना रह गया? 100 था आपका, 20 चोरी हो गया तो 80 रह गया, ठीक है ना? अच्छा आप देखिए, मैंने बोला था 10% का प्रॉफिट कमाते हो हर चीज के ऊपर, टोटल में 110, ठीक है ना? और इंडिविजुअल में करेंगे तो 1.1, ये समझ में आया कि नहीं पहले बोलिए? अगर 100 रुपया का ऊपर टोटल सामान है, 10% प्रॉफिट कमाने से 110 हो जाएगा, अगर इंडिविजुअल उसी को कैलकुलेट करें सेम चीज 1.1 हो जाएगा। मतलब एक 100 आइटम है, 10% प्रॉफिट कमाने से अगर 1 रुपया करके होता है एक आइटम, ठीक है ना, 10% प्रॉफिट में कितना आएगा? 1.1, 1.1 आएगा ना, 1 + 1 का 10%, इसको करने से 1.1 आएगा ना, समझ में आ गया? टोटल में 110, इंडिविजुअली करेंगे तो 1.1, ठीक है? आप कोई भी पकड़ के कर सकते हो, टोटल के भी कर सकते हो, इंडिविजुअल पकड़ के भी कर सकते हो। नाउ सेलिंग प्राइस ऑफ वन आइटम क्या होना चाहिए? सर पहले तो 110 ही था ना सेलिंग प्राइस। 110 हो जाएगा अगर आप पूरा पकड़ के करते हो, अगर 100 100 का पकड़ के करते हो तो 110 हो जाएगा, कोई भी गलत नहीं है, ठीक है, ये भी सही है। और मैं इंडिविजुअल का अगर बात करता हूँ तो इंडिविजुअल का 1.1 है ना, एक एक आइटम के ऊपर अगर आप 1.1% सॉरी 10% प्रॉफिट कमाते हो तो एक एक आइटम का प्राइस क्या होगा, सेलिंग प्राइस, समझ में आ रहा है? वो हाँ जी 1.1 हो जाएगा। तो दोनों सेम ही है, 110 और 1.1 सेम ही है, बस 110 सब कुछ मिला के 100 का है, 1.1 पर आइटम का है, ठीक है? मतलब 100 पेन है, इसके ऊपर 10% कमाएंगे तो 110 हो जाएगा सब मिलके 100 पेन के ऊपर, ठीक है ना? अगर एक एक पेन का बोलते हैं कि एक एक पेन का आपने कितने में बेचा, 10% कमाया, तो एक पेन का 1.1 हो जाएगा, ठीक है? ये दोनों सेम ही है, बस ये इंडिविजुअल है, ये टोटल है, ठीक है? मैं अभी निकल रहा हूँ कि एक एक आइटम का निकल रहा हूँ, ठीक है? एक एक आइटम का निकालेंगे, एक पेन का अगर आप एक गुड्स का अगर 10% करके कमाते हो तो उसका सेलिंग प्राइस क्या होगा? 1.1 बोला था, कैसे? देखिए 100 + प्रॉफिट, ठीक है, बाय 100 इंटू, अगर एक इंडिविजुअल पकड़ता हूँ मैं एक पेन का, तो इसको करके देखिए 1.1 आएगा, ये क्लियर है? ये 1 गुड के लिए निकल रहा हूँ मैं, 1 गुड के लिए। अगर एंटा निकालेंगे ना टोटल 100 के लिए निकालेंगे तो 110 आ जाएगा, क्लियर है ये चीज? हाँ जी सर। अभी देखिए SPF 1 गुड निकाला, ठीक है, अभी SPF 80 का क्या होगा? जो 80 आइटम है, 88 88, 80 × 1.1 कितना होगा? 88, ठीक है? आप देखिए, आप उसका लॉस हो रहा है फायदा हो रहा है, आप बोलिए। 100 का था, लॉस ही हो रहा है सर उसको तो। 100 का था, आप जो बचा आइटम उसको बेच के उसको 80 मिलेगा, 100 था पहले, आप जो चोरी होने के बाद जो आइटम बचा है ना वो बेच के उसको, क्योंकि बाकी आइटम में वो 10% प्रॉफिट करके ही बेचेगा, समझ गया ना? किस लिए मैं एक एक आइटम का निकाला हूँ, ठीक है ना? बाकी आइटम बेच के उसको 88 का ही मिल सकता है, 10% जो 100 सामान था उसके पास चोरी होने के बाद जो आइटम बचा है, हर आइटम के ऊपर 88 का सॉरी 10% का प्रॉफिट लगाने के बाद भी वो 88 रुपीज का ही बिजनेस कर सकता है, तो कितना का लॉस हो गया उसका? 12 का, हाँ ठीक है, जी टोटल में 100 ही पकड़ा था इसलिए वो 12% हो जाएगा सीधा सीधा, क्लियर हुआ चीज? हाँ जी सर जी सर। कोई डाउट किसी का? मतलब तो आपका दुकान में कितना रुपए का सामान था, पार आइटम का कॉस्ट क्या था, ये तो आसान है, ठीक है? पार आइटम का अगर प्रॉफिट में बेचता तो पार आइटम कितने में बेचना है आप बेचोगे, ठीक है? एक एक पेन का कॉस्ट अगर 1 रुपया होता है, अगर हर किसी को आप 10% करके बेचते हो तो 1 रुपया का पेन 1 रुपया 10 पैसे में आप बेचोगे, ठीक है ना? आप 20 पेन चोरी हो गया तो आपका कितना आपका नुकसान हो गया, ठीक है? तो आप निकालिए कि जो 88 पेन आपके पास, 80 पेन जो आपके पास बचा है, अगर वो आपको 1.1 में आप बेचोगे, उतना मतलब बेचोगे तो बोल ही दिया 10% प्रॉफिट करके बेचोगे, तो
तो 88 जो आपके पास बचा है वो आप कितना बेच सकते हो? 88 में बेच सकते हो, लेकिन फिर भी शॉर्ट है ना, 100 से शॉर्ट है ना, आपके दुकान में जितना का सामान था उससे तो शॉर्ट ही है। ठीक है, क्लियर है? कोई डाउट? ये समझ में आया कि सबको? ओके नो सर, डाउट नहीं है, ठीक है, समझ आ गया सर। ठीक है, तो इस तरह का नो जो सर, क्वेश्चन जो है 88 मुझे समझ में नहीं आया। ओके देखिए, आपके पास सामान था, मैंने पकड़ा, हर सामान का प्राइस 1 रुपया है, 100 सामान था आपके पास। ठीक है, 1 रुपया का अगर इंडिविजुअली मैं पकड़ू, ठीक है, एक एक रुपया का मतलब एक एक सामान का अगर एक एक रुपया पकड़ू, उसमें 10% का अगर प्रॉफिट कर बेचते हो, ठीक है, 10% का प्रॉफिट करके आप बेचते हो, तो हर आइटम का प्राइस क्या आएगा? 1 प्लस 1 का 10%, या फॉर्मूला में भी आप कर सकते हो, इसको करने से आएगा 1.1। अगर 1 रुपया का सामान आप 10% प्रॉफिट करके बेचते हो, आपको 1 रुपया 10 पैसे में बेचना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन आपके 20 सामान चोरी हो गए, ठीक है, आपके पास बचा कितना? 80 सामान। आपको बेचना उतना ही है, 80 सामान आपको बेचना पड़ेगा, तो आप बेच रहे हो हर सामान को 1.1 में, टोटल आपके पास 80 सामान, कितना बेच पाओगे आप? ये दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 88 आएगा ना, 88 रुपीज का बिजनेस कर पाओगे आप। समझ में आया? आप समझ में आया? हाँ, तो वही है, तो आपके पास दुकान में 100 रुपीज था, 100 रुपीज का सामान था, उसमें से आप अभी चोरी होने के बाद जो सामान बचा है वो बेच के आप 88 रुपया ही अर्न कर सकते हो, तो 12% लॉस है आपका। मैं 100 पकड़ा था, एज्यूम किया था 100, इसीलिए 100 के ऊपर 12 मतलब 12%। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चंस आते हैं, मैं क्वेश्चंस और भी दे दूंगा, ठीक है, आप उसको देखेंगे, देखिए, और कोई प्रॉब्लम होगा तो बताइए। ठीक है, अभी हम लोग नया चैप्टर की ओर मूव करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट, इंटरेस्ट की तरफ जाते हैं बाद में, कंपाउंड भी करेंगे। तो इंटरेस्ट क्या समझ में आता है? बैंकिंग से रिलेटेड है। इंटरेस्ट मतलब क्या समझ में आता है? जो ब्याज दिया जिस जाता है ब्याज ना, दिया जाता है, चक्रवृद्धि, चक्रवृद्धि कंपाउंड वाला हो जाएगा, ठीक है ना? हाँ, सिंपल इंटरेस्ट। उसमें भी हम लोग आएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें भी हम लोग आएंगे। देखिए क्या होता है, हम लोग बैंक में कुछ पैसा रखते हैं, XYZ कुछ भी पैसा रखते हैं, ठीक है, ₹1 रखते हैं, सपोज 1 साल 2 साल 3 साल, ठीक है, 2 ईयर्स या फिर 1 ईयर या कुछ भी, ठीक है, इसके लिए रखते हैं। क्या होता है, कुछ पैसा कुछ टाइम के लिए जब बैंक में रखते हैं, ठीक है ना, उस टाइम के बाद आपको वो जो आपने सपोज 100 रुपया रखा था बैंक में, या 1000 रुपया रखा था आपने, वो सपोज आपको, या फिर 100 रुपये मान लीजिए आप, ठीक है, 100 रुपया बैंक में रखा था 1 साल के लिए, ठीक है, और 1 साल बाद आपको क्या हुआ, मान लीजिए कि 103 रुपया मिला, ठीक है, या फिर मान लीजिए काफी अमाउंट रखा था, 25K रखा था, आपको बाद में जाकर 26K मिला 1 साल बाद, ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट जो आपको मिला, इधर 3 रुपया या फिर इधर 1000 रुपया 1000 एक्स्ट्रा अमाउंट जो इंटरेस्ट। आपको मिला, ठीक है, उसको बोलते हैं ब्याज, इंटरेस्ट, ठीक है, तो यही है उसका सिंपल फंडा, यही है, और 3 रुपया हो गया इंटरेस्ट, और ये जो 103 रुपया इसको बोलते हैं अमाउंट, जो कि इंटरेस्ट मतलब ये जो इसको बोलते हैं प्रिंसिपल, जो आपने रखा है, जो बैंक में आपने रखा था स्टार्टिंग में, वो हो गया मूलधन या प्रिंसिपल, ठीक है, और जो आपको 3 रुपया जो एक्स्ट्रा मिला वो हो गया इंटरेस्ट, तो ये जो 103 है वो मतलब क्या है, ये आपका प्रिंसिपल जो आपने रखा था बैंक में और इंटरेस्ट, वो दोनों मिलके ये आपका 103 हो रहा है, इसको बोलते हैं अमाउंट। क्लियर है इतना? यस सर।
ठीक है, और आपको कुछ परसेंटेज दिया जाता है कि आप जो पैसा रखेंगे इसके ऊपर हम 2%, 3% या फिर 5% इसके ऊपर हम आपको देंगे एक साल पर ईयर, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, उसको बोलते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट, उसको हम आर से लिखते हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला होता है इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसको हम आर से लिखते हैं, ठीक है, या फिर आप कैपिटल आर से भी लिखिए, ठीक है। तो फॉर्मूला होता है इंटरेस्ट का, फॉर्मूला होता है इंटरेस्ट कितना मिलेगा आपको, आप कुछ पैसा इतने साल के लिए इतना परसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट में बैंक में रखा है, आपको इंटरेस्ट कितना मिलेगा, ठीक है ना, इस तरह का सवाल है। तो इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला होता है और सारे फॉर्मूला यही है, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल कंपाउंड वाला अलग होगा, सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला है। देखिए ये जो प्रिंसिपल अमाउंट है जो आपने बैंक में रखा है स्टार्टिंग में, मूलधन इनटू टाइम, ठीक है, इसको मैं थोड़ा वर्ड में लिखता हूँ, पीआरटी सर, PRT 100। प्रिंसिपल, इसको मैं थोड़ा लाइन से लिखता हूँ, ठीक है, प्रिंसिपल इनटू टाइम इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट बाय कितना होता है 100, क्लियर 100 है। यह होता है मतलब पी टी आर बाय 100, ये आपका फॉर्मूला है, मतलब पी टी आर बाय 100, आई इक्वल टू, ये आपका मेन फॉर्मूला है। और पूरा आपको ये बैंकिंग का जो सिंपल इंटरेस्ट का जितना प्रॉब्लम होगा इसमें ये फॉर्मूला काम आएगा, एक फॉर्मूला है। दूसरा फॉर्मूला है अमाउंट इज इक्वल टू, अमाउंट मैंने क्या बोला था, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। इंटरेस्ट, ठीक है। मतलब आपने बैंक में कुछ पैसा रखा एक साल, 2 साल, 5 साल के लिए, तो उससे तो ज्यादा ही मिलेगा आपको, ठीक है। वो तो ज्यादा वाला जो अमाउंट है, आपने 20,000 रखा था, 21,000 मिला, तो वो 21,000 जो है वो होगा आपका अमाउंट। 21,000 में दो पार्ट रहेगा, एक तो आपने जो पैसा रखा था बैंक में वो, प्लस जो आपको ब्याज या सूद भी बोलते हो उसको, या इंटरेस्ट मिला, ठीक है। ये तो फॉर्मूला है आपका। इसे अमाउंट को सर मिश्रण बोलते हैं क्या सर? मिश्रण तो नहीं, इसका हिंदी मुझे मालूम नहीं चल रहा, मैं थोड़ा हिंदी पता करके बताता हूँ, ठीक है, मैं इसका हिंदी पता करके मैं कल बताता हूँ, ठीक है ना। उसमें सूद और असल जो है, मूलधन जो है, वो मिलके या बनता है आपका, बैंक से आपको जो आपको इंक्रीज अमाउंट मिलेगा, ठीक है ना, वो है। अमाउंट मीन्स तो राशि होती है सर, क्या होता है, प्राप्ति, राशि राशि अच्छा राशि, अच्छा ओके, जी। हाँ और मिश्रण तो सर मिक्सचर होता है। हाँ मिश्रण तो मिक्सचर होता है, ठीक जी, है। अमाउंट का मुझे हिंदी पता नहीं था, ठीक है, तो राशि है राशि तो होती है सर। वही है, हाँ जी, जो आपको बैंक में रखते हो, आपको सूद के साथ जितना अमाउंट मिलता है, 100 रुपया रखा तो 103 रुपीज मिला आपको, वो 103 रुपीज को बोलेंगे अमाउंट। उस 103 रुपीज का दो पार्ट है, एक है जो आपने रखा बैंक में एक्चुअल अमाउंट, ओरिजिनल अमाउंट, और दूसरा है आपको जो सूद मिला मतलब इंटरेस्ट मिला, ठीक है, वो दोनों मिलके अमाउंट बनता है, ठीक है ना। तो एक तो प्रॉब्लम करते हैं, ठीक है, पहले सिंपल प्रॉब्लम करते हैं, फिर धीरे धीरे इसमें थोड़ा आगे जाएंगे। देखिए दो ही फॉर्मूला आपके पास सिंपल इंटरेस्ट के लिए, ठीक है। देखिए मान लीजिए ए टेक्स ए लोन, सिंपल इंटरेस्ट का बात कर रहा हूँ, ठीक है, लोन ऑफ रुपीस 10,000, 10,000 फ्रॉम बैंक, ठीक है, फॉर 1 ईयर, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% पर ईयर, ठीक है।
10% लिखने से हो जाएगा, जरूरत नहीं है। ठीक है, इंटरेस्ट कितना पे करना पड़ेगा? ठीक है, 1,000 फाइंड सर, द 1,000 सर, इंटरेस्ट एंड अमाउंट, ठीक है, ही हैज टू पे, ही 1,000 हैज टू पे एट द ईयर एंड। ठीक है, एंड ऑफ द ईयर। क्वेश्चन है कि एक आदमी था, उसने बैंक से 10,000 रुपया लोन लिया, 10,000 एक साल के लिए लिया। ठीक है, आपके पास इन्फॉर्मेशन आ गया, कितना लिया? 1,000। कितने दिन के लिए? एक साल के लिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 10%। उनको एक साल बाद कितना अमाउंट पे करना है और इंटरेस्ट कितना पे करना है? ठीक है, तो आपका क्या आया आंसर? इसका सिंपल है, इंटरेस्ट देखिए, 10,000, वन इंटरेस्ट थाउजेंड 1,000 हो जाएगा सर, और और ओके, अमाउंट में हो इलेवन जाएगा सर थाउजेंड 1,100। ओके। ठीक है, तो आपको सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या था? ऐसा इक्वल टू पी आर पी आर टी बाई 100, यही था। ठीक है, तो इंटरेस्ट कितना देना पड़ेगा आपको? 10,000 इंटू आर कितना है? 10 सर, आर टेन इक्वल टेन टू सर, 10। टाइम। ओ अच्छा, और एक चीज, टाइम हमेशा वन ईयर में ही रखना है, टाइम हमेशा ईयर में ही रखना। अगर ईयर में नहीं है तो क्या करेंगे? कन्वर्ट ईयर में कन्वर्ट लिखेंगे सर, करेंगे, ट्वेल्व कन्वर्ट ट्वेल्व करेंगे। डेज में होगा तो 365 से डिवाइड करेंगे, और महीने में होगा तो 12 से डिवाइड करेंगे, है ना, इंटू 1/100। क्या होगा? 1,000। तो आई इक्वल टू 1,000, मतलब इंटरेस्ट 1,000 आ गया। अमाउंट कितना पे करना पड़ेगा? 10,000 तो देना ही है, सर, प्लस 11 आपको 1,000 1,000 प्लस और हो देना है। जाएगा हाँ, तो आपको 11,000, 11,000 अमाउंट आपको पे करना है। 11,000 ठीक है, तो इंटरेस्ट का मैथ जो है वो आसानी आता है जनरली। ठीक है, जब आता है वो आसान आता है। तो यह तो बहुत ही बेसिक किया, इसमें कोई डाउट है? ठीक है ना, इसमें कोई डाउट होने से डाउट क्लियर करके आगे बढ़ेंगे। सर टाइम बता दीजिए, जैसे आपने बोला ना ईयर में टाइम आता जो है। है, टाइम हमेशा ईयर में ही रखना है। ठीक है, ईयर में ही कन्वर्ट करके रखना। अगर ईयर में नहीं है, डेज में है या मंथ में दे दिया, तो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, उस टाइम को कन्वर्ट करके ईयर में चेंज करना पड़ेगा। ठीक है ना, जैसे कि मैं मैथ्स करता हूँ, रुकिए, हम लोग करते हैं इसको एग्जांपल के साथ करते हैं तो समझ जाओगे। फाइंड एसआई मतलब सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹6,250, ठीक है, एट 14% पर एनम फॉर डेज कितना है? अरे टाइम कितना है? ठीक है, ये है क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, 350 आंसर, 450 और होगा 550 और होगा 650। हाँ, इसका बोलिए। इसमें देखिए, फॉर्मूला तो सेम ही है, लेकिन आपके पास जो टाइम दिया गया, टाइम देखिए, मैंने बोला था टाइम ईयर में कन्वर्ट कर लेना है ना। टाइम का सर, हाँ, टाइम को बोला है। हाँ, कुछ बोल रहे थे, ट्वेल्थ टू 12 से डिवाइड देना पड़ेगा सर। से क्यों? मैं पहले लिखता हूँ मेरे पास क्या क्या है। सर डेज बता रहा अच्छा, सर, तो 12 से क्या कनेक्शन होता है डेज का? तो 365 से तो होगा सर हाँ, कनेक्शन, समझ 365 समझ में आ से तो गया ना डिवाइड करेंगे कैसे बिकॉज 65 ये है? डेज में है ना इसलिए। समझ में आ गया 35 कैसे? मैं पहले लिखता हूँ मेरे पास क्या क्या है। देखिए, मेरे पास क्या क्या है? प्रिंसिपल है कि नहीं? प्रिंसिपल है मेरे पास, मूलधन है ना मेरे पास 6,250। SI on ₹6,250 मतलब मूलधन है मेरे पास। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 40 अच्छा, नेक्स्ट क्या? टाइम, टाइम को लेके 144 146 डेज दे दिया। अच्छा, इसको मैंने बोला था। अच्छा, अगर डेज का बात करते हैं, डेज और ईयर का रिलेशन क्या है ये बताइए पहले। वी नीड टू कन्वर्ट द टाइम, वी हैव टू कन्वर्ट
कन्वर्ट टाइम इनटू ईयर। डेज और ईयर में क्या रिलेशन है बताइए। यस ऐसे मैं लिख सकता हूँ ना। यस अनुराग यस जी सर, दिन के सही पैंसठ कि दिन हो गए हैं सर इस साल 65 डेज में एक साल होता है, लिख सकता हो या गलत है? में। सही तो एक दिन में कितना होगा, 146 है डेज में सर, कितना थ्री होगा? सिक्सटी फाइव समझ गए, मतलब वही मैं बोल रहा था कि जो अगर डेज लिखा हुआ है तो उसे 365 से डिवाइड कर दीजिए सीधा। ये क्लियर हुआ? ओके सर। ठीक है ना। तो टाइम इक्वल टू मैं ऐसे लिख सकता हूँ टी इक्वल टू डायरेक्ट वो लोग जो दिया है उसी को 365 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आएगा देखिए, 73 से तो दिख रहा है ये। ठीक है, 73 से दिख रहा है, 73 दुना 46 और 73 3 4 5, ठीक है, 2/5 ईयर। तो टी इक्वल टू 2/5 ईयर। क्लियर है ना? टी इक्वल टू है मेरे पास 6250 और आई इक्वल टू 14 है मेरे पास, आई नहीं आर, 14% है ना? आपको सारी इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है ऑलरेडी, आप निकाल लीजिए कितना सिंपल इंटरेस्ट होता है। 350 ऐसा इक्वल टू आपका आया 350, कौन आपका 350 आया। ठीक है ओके। अब देखिए क्या क्या था मेरे पास। ऐसा इक्वल टू पी पी 6250 हो गया इनटू टाइम, टाइम कितना हो गया 2/5 इंटू 14% हो गया था ना, बाय 100। ठीक है कोई डाउट है? 6250 इंटू 2 इंटू 14/100 इंटू 5, क्लियर है? क्लियर है ना? यस सर, ठीक है, इसको निकालिए कितना आता है देखिए, 350। 350 सर, 350। ठीक है, रुपीज 350। तो वही मैं बोल रहा था, अगर डेज में आता है टाइम तो 365 से डिवाइड करना, अगर मंथ में आता है टाइम तो क्या करेंगे, 12 से डिवाइड करेंगे से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, आपके दिया हुआ है 6 महीना, 6/12 हाफ ईयर आधा साल, 4 महीना तो डिवाइड बाय 4/12। ठीक है ना, अगर महीने में देता है तो उसको डिवाइड कर दीजिए 12 से, और दिन में देता है तो उसको डिवाइड कर दीजिए 365 से। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट? नो सर, नो सर। नो सर, ठीक है, तो ये आपका बहुत ही बेसिक टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, आप मान लीजिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा जैसे कि राम पेज रुपीज 9000, समझिए इस चीज को है, रुपीज 9000 रुपये पे किया एज एन अमाउंट, एज एन अमाउंट ऑन द सम ऑफ रुपीज 7000 दैट ही हैड बोरोड फॉर 2 ईयर्स, मतलब 7000 रुपया के ऊपर, ठीक है, कुछ परसेंटेज के हिसाब से 2 साल के लिए, ठीक है ना, राम ने बोरो किया था, मतलब उधार लिया था किसी से, और उसने बाद में 9000 रुपया पेमेंट किया। ठीक है, व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट? क्वेश्चन क्लियर है? मतलब राम ने इंटरेस्ट कहा गया मिनट, हाँ, राम ने 7000 रुपया के ऊपर, ठीक है, 2 साल के लिए कुछ परसेंटेज इंटरेस्ट में, ठीक
ठीक है, उसको मतलब उधार लिया था, ठीक है, 7,000 रुपये उधार लिया था 2 साल के लिए कुछ परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट में, ठीक है ना, और उसने 2 साल बाद 9,000 रुपये पेमेंट किया, इंटरेस्ट रेट कितना था, क्वेश्चन ये है। क्लियर है क्वेश्चन? सर ऑप्शंस क्या है? ऑप्शंस है 15%, 14.29%, इसके बाद है 13%, 16%, 16.5%, ऐसा है। क्या करेंगे पहले थोड़ा सा बता दीजिए, पूरा आसान हो जाएगा। फॉर्मूला एक ही है, एसआई इक्वल टू पी आर टी बाई 100। अच्छा आपके पास क्या क्या है, देखिए पहले बोलिए, आप बोलिए आपके पास क्या क्या है। जो इन्फॉर्मेशन दिया गया ना कि राम ने 7,000 रुपया उधार लिया था 2 साल के लिए, ठीक है ना, और उसने 2 साल बाद 9,000 रुपया पेमेंट किया, तो जो रेट था, सूद का जो रेट था, इंटरेस्ट का रेट वो क्या था, यह है क्वेश्चन। तो आपके पास क्या क्या है अवेलेबल? और एक फॉर्मूला है कि अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ठीक है, ये दो फॉर्मूला है आपके पास। 14.29, साक्षी जी सही। चलिए ठीक है, तो इसको करते हैं। देखिए आपके पास इन्फॉर्मेशन है, अमाउंट अमाउंट है ना, आपने 7,000 रुपया लिया था, लास्ट में आपने पेमेंट कितना किया, 9,000 रुपया, ठीक है। प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल कितना है, 7,000, सेवन सेवन थाउजेंड थाउजेंड सेवन थाउजेंड हो जाएगा सर। तो ये जो क्या है, मतलब 9,000 रुपया दिया 7,000 के बदले में, ये 2,000 क्या अमाउंट हो है, जाएगा सर, अमाउंट तो दिया 9,000, ये जो 14.2 आएगा आंसर। ओके ओके करके देखते हैं। 14.2, दो आंसर आया 14.2, एक का 15 और एक आया 14, ओके 14.29, रंजिता जी का भी 14.29, ओके चलिए देखते हैं, ठीक है। तो आपका ये जो 2,000 रुपया एक्स्ट्रा दिया ना आपने, प्रिंसिपल लिया आपने 7,000, 7,000 रुपया लिया था, आपने पेमेंट किया 9,000, ये 2,000 रुपया क्या है, इंटरेस्ट होगा बोले कमल जी, इंटरेस्ट इंटरेस्ट है ना, समझ में आया, मैंने बोला था ना आपने तो बैंक में 20,000 रुपया रखा, आपको 21,000 मिला है ना, वो 21,000 तो अमाउंट हो गया, वो 1,000 क्या है, आपको इंटरेस्ट दिया गया, ब्याज दिया गया आपको, तो यह इधर भी तो सेम है, आपने 7,000 रुपये उधार लिया था, 9,000 रुपये पेमेंट किया, तो इंटरेस्ट कितना है, यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, बोलिए ठीक है, क्लियर है। आपके यस पास प्रिंसिपल है, इंटरेस्ट है, और क्या है आपके पास, टाइम, टाइम कितना बोला, 2 इयर्स, टू ठीक है। हमें क्या निकलने के लिए बोला था, फॉर्मूला क्या है रेट हमारा, एस आई इज रेट इक्वल टू पी, हाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट पी आर टी बाय 100। अब उसमें क्या क्या आपके पास है, जो जो आपके पास है लिख लीजिए, एस आई कितना है, पी 2,000 कितना है, 7,000 आर कितना है, निकालना है ना, आर और अब इसको आर ही रख देते हैं, और ये 100 1,100, ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, 2,000 इंटू 100 इज इक्वल टू, लिख सकते हैं ना, 2 इंटू आर इंटू 7,000 ऐसे लिख सकते हैं ना, यस सर। इधर इधर से काट भी सकते हैं, चेंज करने से क्या होगा, आर इक्वल टू 2,000 इंटू, ऐसे साइड साइड में भी आप 0,0 कैंसिल कर सकते थे, ठीक है, इंटू 2, बोलिए आप कितना आया, 1,2,3, 1,2,3, ठीक है, तो ऊपर आया 2 इंटू 100, नीचे कितना आया, 7 इंटू 2, मतलब 100/2 7 है ना,
है, मैं स्टेप बाय स्टेप लिख रहा था कि समझने में कोई दिक्कत ना हो। आप बोलिए 100/7 कितना आएगा? 7 14 98 14 पॉइंट, ठीक है, 7 2 14 तो 0.2 और तक 0 14 14 पॉइंट टू अपॉन 2/7, 14 पॉइंट हाँ आ गया सर आंसर। हाँ तो ऐसे वही है ना, आंसर आ गया ना, कितना आया? 14.2। 14.2। हाँ बस वही तो है। इसमें कोई डाउट है? नो सर, इट्स क्लियर। क्लियर है? 14.28 यस सर। आएगा इसका, 14.287, 14.29 आ जाएगा, ठीक है, 14 पॉइंट, ठीक 14.285। है, 8.56 आ जाएगा, ठीक है ना, फिर 4 आ जाएगा, 285 आ जाएगा, ठीक है ना, 14.285। तो ये जो तीसरा जो प्लेस है ये वो 5 है ना, 5 ये 5 या 5 से ज्यादा होने से पहला वाला एक बड़ा के लिख सकते हो आप, तो 29, 14.29, ठीक है, ये चीज क्लियर है? आपके पास 14.285 है, आपको अगर 2 डेसिमल तक दिया गया, ठीक है, उसको 3 डेसिमल को अगर 2 डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो 14.2, तो ठीक है, आपको यहाँ तक रखना है, आपको दो दो ही प्लेस रखना है, तो नेक्स्ट प्लेस जो है वो अगर 5 या 5 से ज्यादा होगा, इसको आप 1 बढ़ा सकते हो, 29। ये चीज क्लियर है कि नहीं? ये चीज पता है ना? यस सर, यस सर। अगर ये 5 से कम होता तो 2.8 ही रहता है, 14.28, ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन में अगर 14.28 भी आंसर है, 14.29 भी आंसर है, बी केयरफुल, ठीक है, समझ में आया? तो इतना परसेंट, ओके सर। 14.29% रेट ऑफ इंटरेस्ट था। हाँ बोलिए, कोई डाउट है? किसी को कोई डाउट? नो ओके, तो आज सर। यही तक रखते हैं, कल हम लोग इंटरेस्ट का और भी कुछ मैथ्स करेंगे। हाँ, 14.2829 कैसे आया? 14.1 कैसे है, वही तो मैं बोल रहा था, रुकिए, देखिए, 7/100 है ना, 100/7 आया था, ठीक है ना, इसको इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ, 100 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 14 98 2 रह गया, 2 7 से डिवाइड नहीं होता है, एक पॉइंट दे दीजिए तो 0 आ जाएगा, 7 2 14 6 रह गया, एक पॉइंट है तो इसके लिए और एक 0 रख सकते हैं आप, तो 7 8 से 56, ठीक है, तो आया 4, पॉइंट है तो और एक 0 दे सकते हैं, तो 5 5 7 से 35, ठीक है, 3 प्लेस तक आ गया, देखिए 14.28, ठीक है, आप इसको हम 2 डेसीमल तक अगर रखेंगे, 14.285 आ गया मेरा, अगर 2 डेसीमल तक ही रखना है मुझे आंसर में, 2 डेसिमल दिया तो क्या लिखेंगे, अगर 2 डेसिमल तक रखना है, 2.8 यहाँ तक रखना है, अगर इसके बाद का जो नंबर है, ठीक है ना, वो अगर 5 या 5 से ज्यादा है ना, तो इस नंबर को 1+ करके लिख सकते हैं, अगर 5 से कम होता है तो 2.8 रखना पड़ता है हमें, ठीक है, क्योंकि 5 से ज्यादा है या फिर 5 है, तब तो ये पहला नंबर 2.9 हो जाएगा, क्लियर है? एक्सेल में जैसे लिखेंगे आप 14.285, ओके उसको जैसे आप छोटा करते रहेंगे ना, देखना वो तुरंत 14.29 हो जाएगा, इसीलिए होता है, अगर अगर आपको रखना है इस प्लेस तक, सेकंड प्लेस तक रखना है, तो थर्ड प्लेस वाला नंबर जो है, अगर वो 5 या 5 से ज्यादा हो तो ये नंबर एक बढ़ के खत्म, ये तक खत्म हो जाएगा, अगर ये कम होता तो 2.8 रहता, ये क्लियर है? सर। यस सर। हाँ तो वही है इसका कॉन्सेप्ट, तो कल और भी मैथ्स करेंगे इसका रिलेटेड, इंटरेस्ट का रिलेटेड, फिर धीरे धीरे हम कंपाउंड इंटरेस्ट का भी एक मैथ कर लेंगे, ठीक है, तो आज का क्लास यहीं तक रखते हैं, चलिए शांति तक, ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।
ओम शांति शांति शांति। एवरीवन नमस्ते। थैंक यू सर, थैंक यू सर। जो